मनीष जी, अब देखिए वो तो अरे सवाल क्या पूछेंगे करें ही ना, ना चित्रा जो जी, प्रज्ञा उनके ठाकुर के बात कई ऐसे की बयान हैं, कैसे इवन बात कैसे महात्मा गांधी को करते लेकर भी हैं। उनका जिस तरह का बयान सामने आया है, तो उसको लेकर वो पलटवार कर रहे हैं देखिए आपको। प्रज्ञा ठाकुर वो के आप उनको बयान के बाद, आतंकवादियों से जोड़िए, वो आपके सांसदों को आतंकवादी करार प्रज्ञा देंगे। ठाकुर के बयान के बाद स्वयं प्रज्ञा ठाकुर और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद क्या जवाब दिया था सबको पता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, शरद प्रधान जी ने जो कहा लचर पैरवी हुई थी, अभी मैंने ऑर्डर को पढ़ा है, कहीं वो एडमिट नहीं है। आज तक का बड़ा चैनल है और आगे इस ऑर्डर को आप भी पढ़िएगा। और ऐसे जी लोग कैसी बात जो कर रहे हैं आप, जो लोग चार गलत महीने बयानी में करते हैं चार किसानों उनको को अपने कुचलने चैनल वाला पर था जीप का, विचार बिना लचर पर भी के बाहर आ जाएगा। उन्होंने दूसरी कितने देखिए कमेंट किए हैं, चित्रा जी मेरा सवाल है, जरा फिर हाथरस की घटना हो उन्नाव की घटना हो, एक सेकंड ठीक है, तथ्य को जांचना जरूरी है, ठीक है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाते हुए। सर सालों सालों से छोटे छोटे केस में लोग जेलों के भीतर बंद हैं मनीष जी, और उनकी रिहाई नहीं हो पाती है, और किसानों की हत्या का जघन्य आरोप जिसके ऊपर लगा हो, अगर उसको लेकर आप कहेंगे कि नहीं भैया अब कोर्ट ने दे दिया, हम क्या कर सकते हैं? सर ये मासूम जवाब नहीं हो सकता है इसका, मासूम जवाब नहीं हो सकता है मनीष जी। पीड़ित परिवार ने जो तहरीर दी, चार जो किसान है वो अभी जेल में ही बंद है, इसी पूरे मामले में चार जो किसान है वो जेल में बंद है। नहीं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं गई थी लखीमपुर खीरी, वहाँ के किसान, सर सुनिए ना, वहाँ के किसान आपसे सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि 23 तारीख को वहीं पर वोटिंग है। वहाँ के किसान बोलते हैं कि मंत्री पुत्र का बेटा रिहा हो जाता है, और इसी पूरे मामले में चार किसान जेल में बंद है, उनकी सुनवाई भी ठीक तरीके से नहीं होती है। देखिए चित्रा जी, पीड़ित परिवार ने जो तहरीर दी थी उसको अक्षरशः एफआईआर में तब्दील किया गया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी ने अपनी जांच की, और कानूनी प्रक्रिया से कोई जमानत पाकर बाहर आता है। उनके पिता को पत्रकार करार रखा, दोष नहीं होता। अगर आप आतंकवादी का सवाल उठा रहे हैं, किसी पे भी सवाल उठेगा ऑर्डर को लेकर, अगर उसके पिता का फोटो आया तो आतंकवादी है, आपने भी पिता को पत्रकार रखा, तय करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बरकरार रखा? पूरी घटना के बाद पीड़ित परिवार एक बार भी कहीं भी किसी भी कैमरे पर आकर पीड़ित परिवार ने नहीं कहा और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं फैजान खान, लेकिन ये बताइए, इन्हीं के एसआईटी जैसे आरोप लगते हैं कि सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है सरकार, तो इन्हीं के एसआईटी ने आशीष के खिलाफ अब कड़े वो दस्तावेज तैयार किए और कोर्ट के भीतर दिए। इन्हीं की सरकार में इन्वेस्टिगेशन होता है, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर नहीं थी, निगरानी में नहीं काम कर रही थी। और लचर पैरवी की जहाँ तक बात है, आपने सही फरमाया कि चार किसान जो गरीब है वो जेल में बंद है उसी केस में, और इनके चूंकि इनके पिताजी को इन्होंने गृह मंत्री बरकरार रखा, पूरे देश ने कहा, आप लोगों ने सवाल उठाया, आखिर क्यों उनको पद पर बरकरार रखा गया? सवाल ये न्यायालय के आदेश, अगर दूसरे के पिता का फोटो आया तो मान खड़ा कर सकती है, और उनके पिता पद पर है तो सवाल नहीं उठेगा चित्रा जी। कानून व्यवस्था अगर पूछना हो तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पश्चिम बहुजन समाज पार्टी को कानून मत बताइए, चल जाएगा। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित बहुजन समाज पार्टी ने किया है, और आज कानून व्यवस्था को हमने अपना सबसे मजबूत स्तंभ बनाया है, इसीलिए 3 सालों में चुनाव में आतंकवाद की घटनाओं को रोका है। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन बीजेपी जिस अग्रसित तरीके से आगे बढ़ी है, देखिए पूरी की पूरी फौज उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, चारों तरफ उन लोगों की लगातार कोशिशें हैं उत्तर प्रदेश की जनता कमान एक बार फिर से 2017 की तरह जीतने की, और उनका ये कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति होती है किसी भी तरह, चाहे वो आतंकवादी हमले का जिक्र कर रहे हो। उन्होंने कहा कि पाताल से ढूंढ कर भी हमने आतंकवादियों को सजा दिलाने का काम किया है, और इस मुद्दों को जोर शोर से गिनाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए आज हरदोई की रैली में। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पाताल से ढूंढने के लिए बगैर बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं ना आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, और बगैर बुलाई हाफिज सईद को जो है बाकायदा वेद प्रताप वैदिक को मिलने के लिए भेजते हैं हाफिज सईद से, ये लोग आईएसआई को बुलाते हैं पठानकोट में आतंकवादियों को ढूंढने के लिए बुलाते हैं अपने एयरफोर्स स्टेशन पे। ये इन लोगों की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। चित्रा जी एक बात बताऊं आपसे, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति, 8-8 पुलिस वालों की शहादत होती है कानपुर में, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सारे अपराधी है, जेल में, और उत्तर प्रदेश में उनको जाना विवेक तिवारी का उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है, बिकरू कांड में मणिलाल पाटीदार और बिकरू कांड के अपराधियों को बचाने का गुनाहगार
और समाजवादी पार्टी बिकरू कांड के आरोपियों को बचाने का प्रयास करती थी और बिकरू कांड के सभी आरोपियों को जेल में भेजा गया। वो कह रहे हैं कि बिकरू कांड के सभी आरोपियों का विकास दुबे का क्या हुआ? काउंटर हुआ, बताता हूँ ना। और ये उनके साथ खड़े हैं। अरे ये तो आतंकवादियों के साथ अभी खड़े थे। ये कह रहे थे कि टोपी वाले पुलिस वालों के कांग्रेस की नियत देखिए। ये सुरेंद्र राजपूत खुलेआम पुलिस आज तक पर खड़े होकर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गुजरात पुलिस ने जो फोटो ट्वीट की है वो टोपी लगाए है। टोपी लगाया तो आतंकवादी नहीं है। जो जिनको सजाए मौत मिली है उनको कांग्रेस कहती है कि टोपी लगाए है। टोपी टोपी लगाए हुए वो तो कह रहे हैं कि आतंकवादी थे ना, जिनको सजा मिले कोर्ट से मिली है। आतंकवादियों को आप फांसी दीजिए, स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस की टोपी लगाए आतंकवादी देखिए, ये निर्लज्जता है। इनके शब्द पे तो मैं नहीं जा सकता, शब्द का जवाब मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है क्या? क्या अहमदाबाद में जो आतंकवादी घटना हुई थी, अब जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी उनके तमाम केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री की ओर से अहमदाबाद घटना का जिक्र करते हुए आजमगढ़ से अखिलेश यादव से पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है, तो क्या अब ये माना जाए कि आज तीसरे चरण में और चौथे चरण में चुनावी मुद्दा बदलेगा और ये फायदा करेगा बीजेपी को, जिस तरह से आतंकी घटनाओं का जिक्र कर रही है बीजेपी? बीजेपी का यही प्रयास है उनके पास, ये इससे दिखता है कि बीजेपी में मुझे लगता है इसमें डेस्परेशन बहुत है, घबराहट है। नहीं तो इस तरीके की चीजें घुमा फिरा के ट्विस्ट करके टर्न करके कोशिश ये करना कि किसी तरीके से इसमें चिपका दी जाए किसी ऑपोजिशन पार्टी पे, जिससे उनका नुकसान हो जाए, सारा उद्देश्य ये दिखता है। इससे लगता है कि अपनी पार्टी में कॉन्फिडेंस कम हो चुका है भाजपा को। और ये जो आदत है भाजपा वालों की, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि झूठ को ये बम्बार्ड करते हैं चिल्ला चिल्ला के। मनीष जी चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है। मनीष जी झूठ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। आप बताओ ना, आप बोलो, आप बताओ, आप बताओ। ऑर्डर को आपने अभी बताया, गलत ऑर्डर आपने बताया जनता के सामने। रेड हैंडेड पकड़ा रहे हो आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए से। एक सेकंड नहीं लगता कि न्यूज़ चैनल पर झूठ बोलते हो आप, क्यों नहीं दे रहे महंगाई पे? आप झूठ एक एक करके प्लीज एक एक करके समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खो रहे हैं? सर प्रधान जी आप कोई नहीं आता कि ये आपका झूठ बोलने की झूठ बोलने की खाली बोले वो इनको, इनका मुश्किल यह है कि ये झूठ के जरिए से चाहते हैं कि लोग इनके झूठ को सच मानने लगे। ठीक है एक के मुकाबले तीन कांग्रेस के हैं आप जानते हैं। शरद प्रधान जी की अपनी विचारधारा आप जानते हैं। ठीक है, वो लोग जिस तरीके से अखिलेश यादव के पक्ष में बोल रहे हैं इतना तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ना बोलता जितना बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी आप आदेश को सपा के पक्ष में इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि सपा का प्रवक्ता भी उतना नहीं बोलता है। आप समाजवादी हो गए हैं पक्ष में बोलने और तरह से। वैसे भी आपने उम्मीदवार उतारा नहीं है। देखिए तो खुलेआम राष्ट्रवादी होते हैं लेकिन जनता के हम पक्ष में बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं बेरोजगारी पर बात करो नहीं करते, हम कह रहे हैं महंगाई पर बात करो नहीं करते, चुके हैं। हम कहते हैं करहल में ये उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, करहल से भाग खड़े हुए पुलिस की शहादत पर बात करो नहीं करते, घुटने टेक चुके हैं ये लोग। तो कह रहे हैं थाली के चट्टे बट्टे हैं, बाटला हाउस कांड पे सोनिया जी रोती हैं और अहमदाबाद में अहमदाबाद नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना चले जाएंगे, कोई थाईलैंड चला जाएगा 24 थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस और सपा के लोग नेपाल निकलते हुए थाईलैंड चले जाएंगे।